हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जहां पर हम लोग गेट लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने यहां पर 2012 का डिटेल सॉल्यूशन कर दिया है। आज के इस सेशन में हम लोग यहां पर 2013 का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस ईयर का। तो क्योंकि आज ही के दिन में आप लोगों का गेट लाइफ साइंसेस का एग्ज़ाम भी होने वाला है सेकेंड हाफ में, और आज है 12th फरवरी, तो आज के दिन आप लोगों का सेकेंड हाफ में एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ दोज हु आर लुकिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। होप सो कि आपका जो मैंने जो भी वीडियो बनाया है वो आपको हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद में इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसा एग्ज़ाम हुआ और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन अगर जो हैं कितना हेल्प हुआ मेरे वीडियोस के, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं भी हम लोग नेक्स्ट सेशन किसी आफ्टर वन और टू डेज वी आर गोइंग टू शेड्यूल ए लाइव सेशन, जहाँ पर मैं जितने भी गेट के एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उनसे हम लोग डायरेक्ट डिस्कशन करेंगे कि कैसा क्वेश्चन था, क्या क्या था सब उसके पैटर्न के बारे में। तो उसको मैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आप मेरे YouTube चैनल पर नोटिफिकेशन वाले चैनल जब जाएंगे लिंक पर, तो वहाँ पर मैं शेड्यूल कर दूँगा कि ऑनलाइन हम लोग कब आपस में डिस्कशन सेशन रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किया आज का सेशन ये शुरू करते हैं। 2013 का ये क्वेश्चन पेपर है माइक्रोबायोलॉजी का, और ये मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इन 1976 टोंगेवा एक्सपेरिमेंट गेव क्लू अबाउट जीन रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स। द टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट वेयर, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स की बात में बात कर रहे हैं। तो बी सेल्स का कंटिन्यूस फॉर्मेशन होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। खासकर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में इस तरह का रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पर सिंगल टाइप के मतलब एंटीबॉडीज जो कि सिंगल टाइप के एंटीजन के साथ में या एपिटोप के साथ में बाइंड कर सके, तो उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर एक तो चाहिए कैंसर सेल, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे माइलोमा सेल्स, और दूसरा हम लोग लेंगे बी सेल्स प्रोड्यूसिंग, जैसे लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, बी सेल्स प्रोड्यूस करेगा। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, हाइब्रिड बनेगा, तो ये कैंसरस प्रॉपर्टी इस बी सेल्स में आ जाएगा, और बी सेल्स कंटिन्यूस एक टाइप के एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है, मैंने बताया कि बी सेल्स के ऊपर एक टाइप का रिसेप्टर्स लगा होगा, और जब वो एक्टिवेट होता है तो सिर्फ इसी तरह के एंटीबॉडीज का कंटिन्यूस प्रोडक्शन करेगा। तो कैंसर सेल क्यों करेंगे, क्योंकि ये बी सेल्स का अपना लाइफ स्पैन होता है, फिक्स लाइफ स्पैन। तो अगर इसको कैंसर्स नहीं बनाएंगे तो कुछ टाइम के बाद में इसकी डेथ होगी, तो फिर नया बी सेल बनाना होगा, तो बार बार ये करना पड़ेगा इसको इमॉर्टल करने के लिए, उनको हम लोग माइलोमा सेल्स के साथ में क्लब कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा एम्ब्रियोनिक सेल्स, ठीक है, ये, और एडल्ट माइलोमा सेल्स, ये दोनों। तो आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन। एम्ब्रियोनिक बी सेल से क्या बनेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ये बेसिकली स्टेम सेल्स है, तो स्टेम सेल्स बी सेल, और ये वाला हो गया कैंसर सेल, ठीक है। सेकेंड आ रहे हैं, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द एंटीबायोटिक कैनोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन बिलोंग्स। तो ये होगा एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एमाइन शुगर, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट होगा सी ऑप्शन। सैन डेलगानो सीक्वेंस प्रेजेंट इन द एमआरएनए बाइंड्स टू, ये मैंने डिस्कस किया हुआ मैंने बायोकेमिस्ट्री की प्रोटीन सिंथेसिस में। सैन डेलगानो का सीक्वेंस ये प्रोकैरियोट्स में होता है, जो कि प्रेजेंट होता है एमआरएनए पर, और ये प्यूरिन रिच होते हैं, प्यूरिन रिच। तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं आरआरएनए ऑफ राइबोसोम। तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पायरिमिडिन रिच। अब यहाँ पर 5'-3' पर ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एमआरएनए पर रहेगा, तो आरआरएनए पर रहने के लिए इसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये 3'-5' पर ये सीक्वेंस होगा, तो हम लोग हमेशा सीक्वेंस ये सैंडलगानो सीक्वेंस ये आरआरएनए में किधर होगा, 3' से 5' की तरफ, और एमआरएनए में किधर से होता है, 5'-3'। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3' एंड ऑफ आरआरएनए, ये इस पर है, इस डायरेक्शन पर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉरेन
ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज नॉट एम्प्लॉयड इन प्रोकैरियोट्स। देखिए प्रोकैरियोट्स में एंडोसाइटोसिस नहीं होता है। एंडोसाइटोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोट्स। एंडोसाइटोसिस होता है क्या? इनगल्फमेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन बॉडीज, ये होता है यूकैरियोटिक, जैसे मैक्रोफेजेस वो करते हैं। तो ये आंसर होगा सी, एंडोसाइटोसिस बैक्टीरियम नहीं होता, मैक्रोफेजेस यूकैरियोटिक है। बाकी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ग्रुप ट्रांसलोकेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक दोनों में होंगे। तो नेक्स्ट आ रहे द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ फीकल पॉल्यूटेंट इन वाटर। देखिए फीकल पॉल्यूटेंट जब ह्यूमन फीकल रिलीज करते हैं मतलब नियर बाई वाटर में, तो वो वहाँ पर हमारे बॉडीज में गट में क्या होता है, इकोलाई। तो इकोलाई क्या होगा, हमारे सेक्रेटरी मटेरियल से बाहर निकलेगा और वहाँ वाटर में चला जाएगा। तो इकोलाई का अगर कहीं पर कंटामिनेशन है, जिसका मतलब फीकल पॉल्यूटेंट वहाँ पर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहे थ्योरेटिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 38 होगा। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का इनटू CO2 प्लस H2O और इसमें ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सभी मिलते हैं। ये भी आप देखोगे मेरे बायोकेमिस्ट्री वीडियो में मैंने डिस्कस किया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट यूज वाटर एज ए इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फोटोलाइसिस। ये तो माइक्रोबायोलॉजी मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूट्रिएंट में बताया था कि बैक्टीरिया जो कि फोटो ऑटो लिथोट्रॉप्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स ऑफ वाटर एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज नहीं करते। वो क्या यूज करते हैं, H2S या सोडियम थायो या हाइड्रोजन थायो सल्फेट, ये दोनों। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये वाला होगा ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सी ऑप्शन। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल इज 0.8 माइक्रोमीटर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो पूछ रहा है। तो अगर स्फेरिकल है तो सरफेस एरिया का रेशियो, यहाँ पर फॉर्मूला होता है 4 pi r square, और अगर वॉल्यूम है तो उसका होता है 4/3 pi r cube। तो ये r square और ये कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या 3/r, यही आएगा सिर्फ। तो 3/r, r का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 0.8, ये कर लीजिए कैलकुलेशन, ये आएगा 3.75। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आर द एंजाइम दैट कैटलाइज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू एमोनिया। नाइट्रोजन टू एमोनिया को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसके लिए 16 ATP यूज होता है और वो 16 ADP में कन्वर्ट करता है, और इससे एनर्जी जो निकलता है उसको ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को मूव कराते हैं। ये हाईली एनारोबिक कंडीशन में होना चाहिए, एनारोबिक कंडीशन होना चाहिए। तो एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा नाइट्रोजन, ये ऑप्शन डायरेक्ट होगा इसका। कीमोस्टेट इज ए कंटिन्यूस कल्चर इन विच द क्रिस्टलाइन मीडियम फेड ऑफ द कल्चर सेम रेट एज स्पेंट इन द रिमूव्ड। कीमोस्टेट फ्लो रेट इज दिस वन एंड वॉल्यूम ऑफ द मीडियम इज दिस वन। द डायल्यूशन रेट पूछा है, तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला नहीं भी मालूम तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। डायल्यूशन रेट का यूनिट देखिए H-1 है पर आवर, और H- सिर्फ यहाँ पर है, तो मैं कैसे कैलकुलेशन करूँ कि सिर्फ H-1 ही रहे। तो ml को डिवाइड कर देता हूँ, ml को कैंसिल करना है तो ml को डिवाइड कर देता हूँ, तो 30 ml पर आवर डिवाइड बाई 100 ml, तो ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0.3 पर आवर आएगा। यूनिट देख के ही बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर कैसे निकालना है, तो 0.3 डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इन एक्सपेरिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर जी लैक जेड वाई ए ऑफ वॉज फॉर्म टू बी कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब हमेशा एक्सप्रेस कर रहा था, फॉलोइंग एक्सप्रेशन मिल गई। देखिए लैक ऑप्शन जब मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया था या इसमें माइक्रोबायोलॉजी में भी, तो मैंने बताया था एक रिप्रेसर जीन होता है आई, उसके बाद प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, जेड होता है, वाई होता है और ए होता है। अब ये कंटिन्यूस तभी हो सकता है, कंटिन्यूस इसका mRNA का सिंथेसिस तभी हो सकता है जब ये ऑपरेटर पर रिप्रेसर बाइंड ना करे, ये बाइंड ना करे, क्योंकि रिप्रेसर बाइंड करेगा तो ये ब्लॉक कर देगा, आरएनए पॉलीमरेज को मूव नहीं करने देगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर बाइंड करता है। तो ये ऑपरेटर या तो नॉन फंक्शनल हो, म्यूटेंट हो, तो एक कंडीशन हो कि ऑपरेटर नॉन फंक्शनल हो, या फिर रिप्रेसर ही रिप्रेसर प्रोटीन ना बनाए तो आई म्यूटेंट हो, इन दोनों कंडीशन में कंस्टिट्यूटिव होगा। अब देख लेते हैं, एब्सेंस ऑफ फंक्शनल रिप्रेसर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द रिप्रेसर जीन आई, ये बिल्कुल सही है, और म्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर दैट कैन नॉट लॉन्गर बाइंड टू द रिप्रेसर, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। म्यूटेशन लैक ए नहीं, लैक ए तो ये ट्रांस एसिटाइलेज है, इसका कोई इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो यहाँ mRNA प्रोटीन में बन रहा है, तो आंसर क्या होगा PNQ, सी ऑप्शन करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिडेरोफोर्स? सिडेरोफोर्स प्रोटीन होते हैं जो कि Fe3+ के साथ में बाइंड करते हैं, फेरिक के साथ में, ठीक है? तो ये सिडेरोफोर फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द फेरिक एंड डायरेक्ट इसका ये आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ रही है पॉपुलेशन कंटेंट फास्ट एंड स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया। द स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया कैन बी इनरिच बाय सप्लीमेंटिंग द मीडियम। देखिए अगर एक प्लेट पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत फास्ट डिवाइड कर रहे हैं, तो फास्ट डिवाइड करेंगे तो फास्ट सेल वॉल भी बनेगा, और कुछ है कि बहुत स्लो डिवाइड कर रहे हैं, ये स्लो डिवाइड कर रहे हैं, तो स्लो डिवाइड वाले सेल ग्रोथ इन सेल डिवीजन भी स्लो होगा, सेल वॉल भी धीरे बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर सेल वॉल इनहिबिटर लगा दूँ तो वो ज़्यादा इफेक्ट किस पे करेगा? जो फास्ट डिवाइड कर रहा है। तो फास्ट डिवाइड कौन करेगा? ये वाला हट जाएंगे, वही हटाना है। तो सेल वॉल का इनहिबिटर कौन है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन यहाँ भी है लेकिन इसके साथ क्लोरोएम्फेनिकोल है। क्लोरोएम्फेनिकोल प्रोटीन का इनहिबिटर है, याद रखना, ये प्रोटीन इनहिबिटर है। तो प्रोटीन इनहिबिटर अगर आप लगा देंगे तो दोनों ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा, दोनों पे इफेक्ट करेगा इक्वल। तो ये नहीं लगाना है, सिर्फ ये लगाना सेल वॉल इनहिबिटर, ठीक है? रिफाइप्रसिन क्या करता है? ये तो मैंने बताया, ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करेगा mRNA के, ये RNA पॉलीमरेज को ब्लॉक करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं। व्हेन द सप्लाई ऑफ ट्रिप्टोफैन इज प्लेंटीफुल, सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन क्या होगा? शट डाउन हो जाएगा, रिप्लेस होगा। और ये भी बताया हुआ है कि ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन में कि यहाँ पर इनएक्टिव रिप्रेसर रहते हैं, और जब ट्रिप्टोफैन आके इनके साथ बाइंड करता है तब ये एक्टिव रिप्रेसर बन जाते हैं, और एक्टिव रिप्रेसर को तब ये जाकर ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, ऑपरेटर पे बाइंड करने के बाद में तब आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ट्रिप्टोफैन इसको बोलते हैं को रिप्रेसर, ट्रिप्टोफैन को क्या बोलेंगे? को रिप्रेसर, थोड़ा सा अमाउंट में चाहिए। तो इनएक्टिव प्लस को रिप्रेसर, कौन सा रिप्रेसर? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बाउंड विद ऑपरेटर, यस फर्स्ट ऑप्शन सेल्फ इज करेक्ट। रिप्रेसर प्रोटीन और को रिप्रेसर विच इज बेसिकली ट्रिप्टोफैन, ये बाइंड करता ऑपरेटर पे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहे हैं मैच द फॉलोइंग। ओके साइंटिस्ट और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो रॉबर्ट हुक को तो बहुत बार हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था। तो ये तो होगा कि ऑब्जर्व फर्स्ट ऑब्जर्व सेल, पी का सेकेंड यहाँ है, पी का सेकेंड ये है, तो या तो सी या तो डी होगा। पॉल एलरिच जो थे उन्होंने कीमो फर्स्ट सिंथेटिक कीमोट्रॉपिक एजेंट के बारे में बताया था, ये पॉल एलरिच, ये मैंने एंटीबायोटिक वाले क्लास में कराया। एंटोनी वैन लिवेनहुक ने लाइव सेल्स को फर्स्ट टाइम देखा था, तो ये हो गया फर्स्ट ऑब्जर्व बैक्टीरिया। एंड बाकी तो बस ये, तो क्या होगा इसको देख लीजिए, फर्स्ट का सेकंड और क्यू का फोर्थ आर का थर्ड एंड एस का फाइव होगा। ओके बायोजन केमिकल, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पर ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, इस तरफ में बैक्टीरिया है और इस तरफ में यानी पैथोजेंस है और इस तरफ डिजीज है। बोटेडेला पर्ट्यूसिस वोफिंग कफ कॉज करता है, ये तो डायरेक्ट हम लोग मालूम है, वोफिंग कफ। माइकोबैक्टीरियम लेप्री हैंसन डिजीज और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनेंजाइटिस रूबेला मम्प, हाँ तो पी का फोर्थ कहाँ है, पी का फोर्थ कहीं है, ये है। क्यू का फिफ्थ आर का सेकेंड एस का फर्स्ट, ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन। चलिए इस तरफ माइक्रोस्कोप है, ये भी माइक्रोस्कोप को मैंने डिटेल में डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, यूजेज इलेक्ट्रॉन एज अ फोटोन सोर्स। तो एस का फिफ्थ यहाँ है, तो सिर्फ सी नहीं होगा, ए बी डी हो सकता है। अच्छा उसके बाद में आ रहे हैं ब्राइट फील्ड बेसिकली ये स्पेसिमेन के, देखिए ब्राइट फील्ड का क्या था, ब्राइट फील्ड का कॉन्सेप्ट ये था कि लाइट इसके अंदर से पास कर जाए, ठीक है। डिफरेंसेस इन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन स्पेसिमेन एंड द सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग का एनवायरनमेंट क्या हो, यहाँ पर डार्क फील्ड ब्राइट फील्ड में अपोजिट होगा डार्क फील्ड का, डार्क फील्ड में क्या होगा सराउंडिंग डार्क होगा और ये जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट होगा। तो डार्क फील्ड में सराउंडिंग डार्क होगा। क्यू का फर्स्ट रीचेस द लाइट टू द स्पेसिमेन ओनली फ्रॉम द साइट, यस लाइट
स्पेसिमेन में लाइट जाएगा तो वो हो गया डार्क का, और ब्राइट फील्ड में बैकग्राउंड क्या होंगे वो ब्राइट होगा और ऑब्जेक्ट डार्क होगा, तो ये फोर्थ हो जाएगा। फेस कॉन्ट्रास्ट में, फेस कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंट इंडेक्स वाला होगा, तो यानी पी का 3, क्यू का फर्स्ट एंड आर का फोर्थ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 18th आ रहा है, फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट डिटरमाइनिंग द एफिकेसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट एक्स, मैक्सिमम एफिकेसी डाइल्यूशन ऑफ एक्स एंड फिनोल वाज फाउंड टू बी 150 एंड 190, कैलकुलेट द फिनोल कोफिशिएंट एक्स। तो इसका जब एक्स फिनोल कोफिशिएंट करना है तो सिंपली इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर एफिकेसी, मैक्सिमम एफिकेसी डाइल्यूशन ऑफ एक्स एंड फिनॉल, तो यहाँ पर एक्स एफिकेसी डिवाइडेड बाय फिनॉल एफिकेसी करते हैं, तो एक्स का एफिकेसी कितना है 1/ यहाँ पर फिनॉल एफिकेसी बाय एक्स एफिकेसी करना है, तो फिनॉल का कितना है 1/90, और ये कितना होगा एक्स का एफिकेसी 1/450, तो ये रिवर्स होगा यानी 450 ऊपर चला जाएगा, 9 = 45 5 होगा। इसको फाइंड आउट करने का तरीका भी क्या, देखिए इसको सिंपली ऐसा करना है, ये वैल्यू आ रहा है तो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वैल्यू मैच कर जाए, कोई जरूरी नहीं कह रहे का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट मालूम, ऑप्शन देखकर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि 5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4 अगर हम लोग 450 डिवाइड बाई 5 करते हैं, 90 5 तो आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर 5th होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड व्हेन द सल्फेट एक्ट्स एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द केस ऑफ बैक्टीरिया डी सल्फो विब्रियो, तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 8। सल्फेट के पास में जब ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो ये मैक्सिमम अप टू 8 इलेक्ट्रॉन तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन तक, क्योंकि देखिए सल्फर का जो मॉलिकुलर वेट है वो कितना है 16 है, और ये जब इसके नियर बाई नोबेल ग्रेस में, खैर यहाँ पर आप सिंपल ये समझिए अभी कि इतना मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट क्या आंसर 8। नेक्स्ट आ रहा है 20, द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 10^3 टू 10^9 इन 10 आवर्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ जनरेशन पर आवर, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये nt is equal to n0 into 2 to the power n, n is a number of generation, और number of generation find out करने मतलब है total time divide by generation time। अब ये तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये nt दिया हुआ, nt का मतलब नंबर क्या है 10^9, और इनिशियल नंबर क्या है 10^3 into 2 to the power n, तो पहले n निकाल लें, तो ये कैसे निकलेगा 10^9 डिवाइड बाई 10^3 इज इक्वल टू 2^n, ये कितना हो जाएगा 6, और 2^n यही होगा 6, यस। तो ये अगर 10 n की वैल्यू 10 रखेंगे, 2 टू द पावर अगर 10 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 10224, ये मैंने बताया हुआ है, ये देखिए कितना सिंपल हो जाता है ये अगर मालूम है आपको तो, ठीक है। तो ये कितना होगा 10,000 अराउंड 1000 यानी 10^3, और यहाँ पर बोल रहा 10^3 इंटू 10^3, ये ऐसे कर सकते हैं तब क्या हो जाएगा ये 10^6, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2^10, और इसके लिए भी अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 2^10, तो ये वाला जब जैसे सर से पावर 20 हो गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 20, जनरेशन कि नंबर ऑफ जनरेशन 20 है, टोटल कितना टाइम तक किया 10 तक, ये 10 आवर तक डिवाइड किया, ठीक है 10 आवर तक टाइम है, तो टोटल टाइम यहाँ पर है, तो ये अब इस फॉर्मूला में फिट कर देंगे, तो यहाँ पर निकल गया n की वैल्यू कितनी आ गई 20, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है ये 10 आवर्स, जनरेशन टाइम पूछ रहा है, तो जनरेशन टाइम इज इक्वल टू 10/20, यही होगा 10 आवर्स, टोटल 10 आवर्स डिवाइड बाई 20, ये क्या कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 10^9 डिवाइड बाई 10^6 1024 1000, तो 2^10 10+10 20, n की वैल्यू 20, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेशन
पर आवर। नंबर ऑफ जनरेशन एंड इज द नंबर ऑफ जनरेशन, सिर्फ एन नहीं करना चाहिए तो 20 आंसर आएगा, आंसर फर्स्ट है। नंबर ऑफ जनरेशन ये करने की जरूरत ही नहीं, यही तो फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जनरेशन ही तो फाइंड करना है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट ए ऑप्शन, नंबर ऑफ जनरेशन फाइंड आउट करना है, ये आंसर होगा। मुझे लगा कि यहाँ पर जनरेशन टाइम पूछ रहा है, नहीं नंबर ऑफ जनरेशन ये आंसर। ठीक है तो बस इसी के साथ मैंने इस ईयर का भी सॉल्यूशन कर दिया, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। आज सेकेंड हाफ में एग्जाम है, 12th February आज 2022, अच्छे से एग्जाम दीजिए और शाम को या कल तक मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि कैसा क्वेश्चन था, कैसा आपका एग्जाम हुआ, क्या क्वेश्चन टफ था, कौन कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, केमिस्ट्री का कैसा रहा, माइक्रोबायोलॉजी का कैसा रहा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम कोशिश किया अपने तरफ से कि जितना जल्दी हो सके, ज़्यादा हो सके आपको उतना ही बताऊँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम लोग 1 से 2 दिन में लाइव सेशन करेंगे, जहाँ पर आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि उस लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर हम लोग गेट लाइव सेंसेस 2022 का जो एग्जाम आज हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, मे बी आफ्टर 1 or 2 days। तो मैं उस लाइव सेशन का लिंक और शेड्यूल डेट सब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको अपलोड करूँगा, उसको जब देखिएगा तो मालूम चल जाएगा, तो उस लिंक पर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।